जब जब मेरी फाहद से शादी हो रही थी, तुमने फाहद को किडनैप करवा लिया, मेरी बारात नहीं आने दी, मेरे अम्मी बाबा की इज्जत का तमाशा सबके सामने बना दिया। मैंने फाहद को किडनैप करवा लिया? हाँ तुमने, बारात नहीं आई तो अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए मुझे अपनी बहन के मंगेतर से शादी करनी पड़ी। शबरेज, तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ। आज तरस नहीं आता मुझ पे, मेरे हाल पे। मैंने फहद को किडनैप नहीं करवाया था। उस रात मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए तुमसे फोन पे बात करता पा रहा था, मेरा तो रास्ते में बस मुझ पे एक ऐसा मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मैं मरूं या जीऊं तो मुझे नजर मत आओ। नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, लेकिन ये सब मत कहो। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं वैसे ही बढ़ जाऊंगा यार। मैं मानता हूं मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, तुम्हारे इंतजार के बावजूद मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर पे लेके नहीं पहुंचा, मम्मा पापा को शादी के लिए नहीं मना सका। मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो यार कि मैं जीना ही भूल जाऊं। मेरी उस्मान से शादी हो चुकी है, मैंने अपने बाबा जान से वादा किया, चाहे कुछ हो जाए मैं ये शादी निभाऊंगी। हाँ, और उन बातों का क्या तुमने मुझसे किए थे? मैं देर कर दी। अरे मानता हूँ देर कर दी, कह तो रहा हूँ गलती हो गई। तुम गुस्सा हो ना मुझ पे, मुझे डांट लो मार लो, अपनी सारी भड़ास निकाल लो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर जाने के लिए मत कहो, ये मुझसे होगा नहीं। तो प्लीज ये शादी खत्म कर दो ना, ये जबरदस्ती का रिश्ता ना तुम्हारे लिए भी। हम दोनों शादी कर लेंगे, सबसे दूर चले जाएंगे, जहां ना तुम्हारी फैमिली होगी ना मेरी फैमिली होगी, हमें रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा, पूछने वाला कोई नहीं होगा, बस एक दूसरे के पास हम होंगे, हमारा प्यार होगा। प्लीज तुम खत्म कर दो ना ये सब, मुझसे शादी कर लो। ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैंने कहा ना मैंने बाबा से वादा किया है मैं ये शादी निभाऊंगी। कैसे निभाओगे, मेरे बगैर तुम कैसे कोई वादा कर सकती हो? मैं याद नहीं आया तुम्हें उस वक्त, तुम्हें मेरी हालत पे देख के रहम नहीं आता मुझ पर। कितनी रातों से मैं सोया नहीं हूं, ठीक से खाना नहीं खाया, भूख नहीं लगती मुझे, रातों को नींद नहीं आती है सोच के कि तुम किसी और के घर में किसी और के निकाह में बैठी हुई हो। यार मैंने मम्मा को मना लिया, तुम बस मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ एक बार। कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें जाना होगा। शुक्रिया, मैं अब तुम्हारी नहीं रही, जितनी जल्दी इस हकीकत को कबूल कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम बाकी चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? हाँ, इतना दूर कि कभी याद भी ना। ठीक है चला जाता हूं, से पहले तुम्हारी कौन सी बात टाली हो जब टाल हुआ? अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा कभी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूंगा। I love you. उदासी
सजा हो जैसे।